बोलिए भभूता सिद्ध महाराज की, बोलिए काली नाडी धाम की। आइए प्रेमी सजनों, भभूता सिद्ध महाराज के श्री चरणों में एक भजन। इस भजन के माध्यम से शुरू से अंत तक भभूता सिद्ध महाराज के जीवन के बारे में बताया, किस तरीके से बाबा के जीवन की शुरुआत होती है, शुरू से लास्ट तक का यही भाव, कैसे भभूता सिद्ध महाराज का जन्म होता है, भभूता सिद्ध महाराज की पवित्र काली नाडी नगरी में लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त जाते हैं और सभी भक्तों के कष्टों का निवारण होता है। बाबा सभी भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। आइए परम आदरणीय गुरुजी महाशय रामपाल यादव जी ने बड़ी ही प्यारी रचना भभूता सिद्ध महाराज के जीवन को लेकर लिखी, आइए बाबा के श्री चरणों में। कैसे गुरु भभूता नाम हो बाबा, कलयुग का अवतारी, काली नदी धाम तेरा तू भक्तों का हितकारी। गुरु भभूता नाम हो बाबा, कलयुग का अवतारी, काली नदी धाम तेरा तू भक्तों का हितकारी। रहता था, गोविंद सिंह के कोई लाल नहीं थी, और किस तरीके से वरदान के माध्यम से गुरु भभूता सिद्ध महाराज का जन्म होता है, आइए नंबर एक में क्या बताया। एक समय की सोलंकी ढाणी की कथा सुनाऊं, राजपूत परिवार रहता इनकी व्यथा बताऊं। गोविंद सिंह के नलाल होया तने सही सही समझाऊं, मात बिड़म दे दुखी घड़ी में नीपूती कहलाऊं। एर फिर आगे की कथा सुनाऊं, फिर आगे की कथा सुनाऊं। हम सुन लियो नर योर नारी, भ्रमण करते हुए आते हैं और गोविंद सिंह को भभूति देते हैं, कहते हैं बड़े ही प्यारे पुत्र तन की प्राप्ति आपको होगी, जो कलयुग के अंदर आपका नाम रोशन करेगा। किस तरीके से नंबर दो में क्या बताया। बबूती तीन लाल बतेड़ा आया, पहला लाल मैं ले जाऊं
को लौटा आया, ये काली नाटी मैं बुलवाया, काली नाटी मैं बुलवाया, लग्या पीवेना भारी आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी से आवाज आती है कि भगूता सिद्ध महाराज का प्यारा मंदिर काली नाटी बियाबान जंगल में भरेगा और जो भी भगत सच्चे दिल से बाबा से अरदास मांगेंगे उसका बेड़ा पार होगा। आइए नंबर तीन में क्या वरदान दिया, दुखियों का दुख हारी, हारी पीठ में फिर जन्म ले बैगा पीर अवतारी, नखद बन्ना का जन्म होया जो सबका संकट हारी, एर चोगर देते भगत आवते, चोगर देते भगत आवते, और भीड़ लगी से भारी काली नदी दाम तेरा तू भगतों का हितकारी, गुरु बाबू का नाम हो बाबा। संचालक भगत श्री सत्यवान शोराण जी के परम शिष्य भगत श्री मुकेश जी गोलाहेड़ा मंदिर दोनों ने मिलकर हमारे बड़े भाई दिनेश यादव हयातपुरी को आशीर्वाद दिया, जिनके बेटे को कैंसर की बीमारी थी और श्री ज्योतराम जी के दरबार जीतपुरा में ले जाने पर कैंसर तक के रोग बाबा के दरबार में ठीक किए। आइए नंबर चार में क्या बताया, बबूता सिद्ध की माया थारे दर पे आए पछे निर्मल हो जा काया, सत्यवान भगत ने दिनेश भाई को खोल खोल समझाया, मुकेश भगत भी लोकेश ने संग में लेके आया, कह राम पाल बाबा तेरी माया, कह राम पाल बाबा तेरी माया, बना दिया परचारी काली नदी दाम तेरा तू भगतों का हितकारी, गुरु बाबू का नाम हो बाबा जाने दुनिया सारी।